हम पहाड़ी छा सबसे भारी छा। दूसरे स्थान पर संदीप नेगी। ये मेरी प्लेट और ये हमारे पहाड़ी खाने। राष्ट्रवाद मैं तो मेरे को पता थोक के आई हूँ बताओ क्या होता है। राष्ट्रवाद एक होना चाहिए। पर सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली टीम तैयार हो रही है पूरी हमारी कुमाऊनी पहाड़ी। ये है बिच्छू घास के पापड़। अलविदा। सभी लोग रो रहे हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मला नेगी। मैं देवभूमि उत्तराखंड के चंपा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रुदमाली गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी ब्लॉग पर। तो आज मैं जा रही हूँ चंपा, हमारा प्रोग्राम है बहुत बड़ा वाला, वहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो सुबह सुबह तो जल्दी उठना पड़ता है, काम वगैरह होता है। सबसे पहले तो मेरी साफ़ सफाई होती है और आज झाड़ू इतना हो रखा था, लेसन वगैरह था। तो अभी का व्यू दिखा देते हैं। तो अभी का व्यू इस प्रकार से हो रखा है, सुहाना सा मौसम हो रखा है यहाँ का। और आज मैं चल रही हूँ चंपावत की ओर क्योंकि मुझे चंपावत जाना है, वहाँ पर हमारे प्रोग्राम है। 8 बजे पहुँच जाना बोला था, 8 बजे मैं यहीं हूँ। देख सकते हो मुझे कभी भी खाली नहीं जाने देता है, खाली हाथ तो मैं जाती नहीं हूँ। तो अभी ले जा रही हूँ मैं ऊपर रोड तक दूध। फ्रेंड अब ऐसे आ गई हूँ मैं पूरा कट्टा हट्टा ले जाके। अभी जड़पत्या पहुँच गई हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ मैं गाड़ी का वेट। और यहाँ मंदिर है, यहाँ का व्यू देख सकते हो। जड़पत्ते से लोहाघाट के लिए मेरे को एक मैक्सी मिली लेकिन इसमें मुझे पीछे बिठा दिया है, बहुत धक्के खा रही हूँ पीछे। मन तो नहीं है बैठने का लेकिन क्या करें। तो इसके कुछ देर बाद ड्राइवर ने बोला था कि मैं आगे शिफ्ट कर देंगे, तो मैं खुश हो गई और पहाड़ों का आनंद लेते हुए आगे का सफ़र शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर युवा महोत्सव होने लग गया है, सारे लोग आ गए हैं, काम इतना ज़्यादा हो रहा है ना वीडियो बनाने का टाइम। अभी यहाँ पर मेरी फ्रेंड मिली है, अभी भागी क्यों रही है भाग, ये देखो हेलो। और यहाँ पर हमारी बुआ जी है, बुआ जी हेलो कर दो। ये है बिच्छू घास के पापड़। बिच्छू घास के पापड़ जिसे सिन्ना भी कहते हैं, जिसे सिन्ना कहते हैं। 10-10 का दे दूंगी। और ग्राहक पीछे से खड़े हैं। यहाँ पर होने लगी अभी फोटोग्राफी प्रतियोगिता, तो ये लोग सभी लोग लगे हैं अपने अपने टैलेंट दिखाने में। भैया खींच ली तूने क्या फोटो? और मैं यहाँ पर ऑफिस के लिए फोटो खींच रही हूँ। बड़ी तेज धूप लगी है यहाँ पर और बाहर देखो गांधी जी के 3 मंदिर। हेलो गाइस। और आगे को तो ये हमारी सपना जी है, इनसे तो काफी टाइम मिलते रहते हो। तो आज काम बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारी ड्यूटी लगी है इधर। और हमारी बुआ पता नहीं कहाँ खोई है ध्यानों में। यहाँ पर सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली टीम तैयार हो रही है पूरी हमारी कुमाऊनी पहाड़ी वेशभूषा में, देख सकते हो लाल किले हरे नीले। तो ये देखो हमारी टीम इधर साइड है और ये है, सारी अलग अलग टीमें आई हुई हैं अलग अलग कपड़ों में। ये देखो मेरी दोस्त यहाँ पर तैयार कर रही है इन बच्चों को, और ये भी करने वाली थी दांज लेकिन अब ये तैयार करने वाली बन चुकी है। अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है, हमारे संसद के अजय टम्टा जी आ रहे हैं तो उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर एनसीसी के छात्र छात्राएं हैं और यहाँ पर हमारे बीच पहुंच गए हैं। हर्ष हर्ष
पहुंच गए हमारे सांसद यहाँ पर। हम चलते हैं, हम भी बहुत देर लगी है। हमारे नए नए भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से मार्गदर्शन कर सके, कुछ भी नहीं। ऐसे बच्चे प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम है। ऐसे हमारा जो कल्चर है गाइस, ये बच्चों को जानिए गाइस, अपने कल्चर को जो परंपरा करो, लाइक करो, फॉलो करो, फॉलो करो, आगे बढ़ाने में अपना योगदान फॉलो नहीं होता। और इसीलिए भारत लंबे समय तक प्रतंत्र रहा। निर्मला दीदी बहुत अच्छी है, आक्रांताओं का पहली बार मिले हैं, समय तक बहुत ही अच्छी दीदी है, पहली बार मिली है, हमारे मुझे पहली बार में पहली नजर में प्यार हो गया दीदी से, नहीं छोड़ा अब गोबरो लेके आ गया, इसीलिए अब गोबरो लेके आ गया। भारत में मुझे धूप लग गई तो हम पीछे आ गए, देखो चेहरा पूरा विभिन्न प्रकार के सच में बहुत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मैं तो मेरे को पता थोक के आई हूं, बताओ क्या होता है। राष्ट्रवाद एक होना चाहिए, कहीं का म्यूजिकल अलग है तो कहीं का वाद्य यंत्र अलग है तो कहीं का। दूसरे स्थान पर संदीप नेगी, आपको चेक अभी प्राप्त हो रहा है। संदीप जी आइए बताइए आप। और चौथे स्थान पर है मुकेश नेगी। अभी यहाँ पर हमारी टीम आई है और ये मेरी फ्रेंड देख सकते हो, कॉलेज की फ्रेंड, हम दिल के फ्रेंड हैं हम लोग। आज पहली बार हम फोटो खींच रहे हैं 2018 के 18 से, मतलब आगे तक की एक भी फोटो नहीं है, पहली फोटो खींची इनके साथ। और ये हम बच्चे पाए आज की, ये हमारी फिल्म है लोहाकांड की डांस की टीम, तो इन सभी को इन सभी से मिलिए। नमस्कार, हम पहाड़ी थोड़े अपने यहाँ के लोग मायावती है तो यहाँ पर डांस वगैरह हो रहे हैं, तो अब थोड़ी देर जो मुस्कुरा रही है डांस को देख, यूनिवर्सल इंटर कॉलेज। ऑर्गेनिक से हैं, हमारे बद्री गाय पे काम करते हैं हम लोग, जो पहाड़ी गाय है, कई सारी चीजें आती हैं, लाइक उसके गौमूत्र डांस कर लेना पर्याप्त नहीं है, नेजल ड्रॉप, इसीलिए सारी चीजों के आधार पर आपका निर्णय होगा। ये है मेडिसिन अलग अलग। आपका हाव भाव कैसा था? मामा
तभी मोटी हो रही है। देख एक बार खाया हाथ चम्मच से पानी ले जा रहे हैं चम्मच से भरा और फिर वो कर दिया। तो चलो आप पेट पूजा शुरू करते हैं क्योंकि सुबह से भूखे हैं। अभी तीन को शर्म नहीं आती है, 3 बजे तक खाना नहीं खाया, पेट पूजा करनी है, भूखे हैं। तो तब आप हाथ पाँव धोते हैं और दिन के भोजन करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले किरण और एक एक करके बारी लगी है इनकी। अब मैं भी अपनी प्लेट उठाती हूँ। ये मेरी प्लेट और ये हमारे पहाड़ी खाना खा रहे हैं हाथ से। गाइस ये हमारा बात है और ये हमारे खाना खाने के लिए आए हैं। पीछे इनके नाम कितने हल्ले हो रहे हैं, घूमने जाएं या नहीं जाएं। सुनना जी कैसा हुआ यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों पार्टी ऐसे हो रही है। तो अभी हमारी जाने की बारी आ गई है, यहाँ पर हो रही है विदाई। अलविदा। सभी लोग रो रहे हैं, आंसू आ रखे। मैं तो इतनी दुखी हूँ ना। मैं भी बहुत दुखी। आज का दिन बहुत अच्छा गया हमारा, बहुत गंदा गया, बहुत अच्छा गया, लेकिन फिर भी दुखी है क्योंकि हमें चंपा से विदाई लेनी पड़ी। लेकिन मजे आए, मजे आए, फुल एंजॉय किया। जो भी लग नहीं रहा तुम बच्चे थे, हम दे दे कौन कौन आ रहा था। तो अभी हम चलते हैं और इसे छोड़ के मैं इसको छोड़ू। अभी हम लोग चले गए हैं भैया को छोड़ के। रास्ते में आते आते मौसम ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम केदारनाथ चले गए हैं। क्या ही बारिश आ रही है और ऐसे देखो रिमझिम रिमझिम पूरी बारिश आ चुकी है। और वहाँ पर देख सकते हो इंद्रधनुष, क्या प्यारी। यहाँ के पुराने पुराने घर देख सकते हो मानेसर खूना के, और वहाँ सामने में रेनबो देख सकते हो, क्या ही मस्त लग रहा है। सतरंगी से रंगा देखो, पूरी रिमझिम रिमझिम बरसा पानी घर में निकली किरण रानी। दिन तो बड़ा ही प्यारा था क्योंकि आज दिन भर धूप में तपे थे हम, ऐसे किसकी तरह जैसे लोहा तपता है ना, सोना तपता है, वैसे तपे थे। लेकिन अभी बारिश से हम एकदम मूड फ्रेश हो गया, हमारा दिमाग फ्रेश हो गया। दोस्तों अभी घर पहुंचते अंधेरा, मतलब दिन ढल चुकी है, ठंडा इतना हो गया। हमारे यहाँ को तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आई है, देख सकते हो चंबा साइड को उधर कोई, इस पहाड़ से उधर कोई आई है। और थोड़ा रुदमाली गांव में छींटे मिट्टी पड़े थे, तो पूरी भीग के सूख भी गई हूँ मैं, पूरी गीली हो रखी थी, सूख भी गई। तो अपना आज के ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए। मेरे भाई को ना आज कितने का चेक मिला देख सकते हो, इतना बड़ा चेक। मैं तो सोचती थी मतलब इतनी खुशी मिली ना, उतना बड़ा चेक मैं पहली बार मतलब टीवी वगैरह में देखे थे और उतना बड़ा चेक मैंने पहली बार देखा जब मेरे भाई को मिला। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइए। तो कई लोगों से मिले, कई फ्रेंड से। फिर मिलूंगी मैं ऐसे अगले नए ब्लॉग के साथ पहाड़ी कल्चर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे।